दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से भिलाई के एक ही बिल्डिंग में तीन अस्पताल संचालित हैं, जहां मरीज और परिजनों के लिए खतरा बना हुआ है। ना कोई रैंप, ना ही बाहर निकलने का रास्ता। किसी भी अप्रिय घटना पर सिर्फ एक सीढ़ी और एक लिफ्ट का ही उपयोग किया जा रहा है। दुर्ग जिले का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों किसी भी अप्रिय घटना से अनदेखी कर रहा है और मासूम मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। बता दें, निजी अस्पताल संचालकों की मनमर्जी लगातार उजागर हो रही है, इसका शिकार मासूम मरीज बन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भिलाई स्थित रिवाइवल मेडिकल सेंटर का सामने आया है, जहां एक ही बिल्डिंग में तीन हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं और ये तीनों जगहों पर जाने के लिए सिर्फ एक ही सीढ़ी और एक ही लिफ्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। मिल सकते हैं? बता दें कि इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में बच्चों का हॉस्पिटल तो फर्स्ट फ्लोर में रिवाइवर मेडिकल सेंटर और सेकंड फ्लोर में आईवीएफ सेंटर संचालित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जाने और आने के लिए एक ही लिफ्ट और एक ही सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। साथ ही इस हॉस्पिटल की पार्किंग व्यवस्था भी किसी तरह की कोई व्यवस्थित नहीं है। अगर हॉस्पिटल में अप्रिय घटना हो जाए या आगजनी या भगदड़ की स्थिति हो जाए, तो बिल्डिंग में मौजूद मरीज और उनके परिजन किस तरह बाहर निकल सकेंगे, आप ही देख सकते हैं। क्या रिवाइवल मेडिकल सेंटर प्रबंधन द्वारा मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर एक ही बिल्डिंग में तीन हॉस्पिटल संचालित कर नर्सिंग होम एक्ट कानून का उल्लंघन किया जा रहा है? गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हॉस्पिटल को नर्सिंग होम कानून के तहत लाइसेंस देकर आम लोगों की सुविधाओं के लिए संचालन करने का अनुमति देता है। नर्सिंग होम एक्ट के अनुसार निर्धारित गाइडलाइन के नियमों शर्तों के पालन पर ही अस्पतालों को लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें जैवशिष्ट, कचरा प्रबंधन, अग्निशमन सुरक्षा, मरीजों के लिए रैंप, आपातकालीन द्वार जैसी मूलभूत सुविधा का होना अनिवार्य है। लेकिन रेम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर व रिवाइवल हॉस्पिटल के नाम से एक ही बिल्डिंग में तीन अलग अलग संस्थाओं के नाम से लाइसेंस देकर हॉस्पिटल और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर को संचालकों ने अपनी कमाई का जरिया बना रखा है। कई सालों से इस तीन मंजिला भवन में संचालित इन अस्पताल के संचालकों को ऐसे कई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आगजनी या भगदड़ होने पर मरीजों के साथ साथ हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारियों की जान भी लगातार खतरे में पड़ी हुई है। इस मामले में जब मीडिया ने दुर्ग के सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दानी से जानकारी लेना चाहा, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार दी, आप भी सुनिए। रिवाइवल मेडिकल सेंटर में जो आपके द्वारा जैसे बताया जा रहा तीन अस्पताल संचालित है, मैंने नोडल ऑफिसर से अभी बात की आपके सामने। उनका कहना है कि ग्राउंड फ्लोर पे बच्चों का अस्पताल संचालित है एवं फर्स्ट फ्लोर पे एक आईवीएफ सेंटर चलता है और इनको जो लाइसेंस पूर्व में दिया गया था, इनके द्वारा जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो नॉर्म्स हैं उसके पूरा करने के पश्चात ही दिया गया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नर्सिंग होम का लाइसेंस लेते टाइम नर्सिंग होम नॉर्म्स को पूरा करते हैं और लाइसेंस मिलने के बाद उसमें कुछ फेरबदल करके संशोधित करके या उस व्यवस्था को बदल देते हैं। तो इसके लिए मैंने नोडल ऑफिसर से कहा है कि वो जाके उसको पूर्व में जो लाइसेंस के समय जो घोषणा की गई थी उसमें कहीं कोई भिन्नता तो नहीं है, इसका अवलोकन करें। अगर मान लो पाए जाते हैं कि एक ही सीढ़ी है और एक ही लिफ्ट है, ना ही रैंप बना है, उस कंडीशन में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर नर्सिंग होम एक्ट के तहत के प्रावधानों के तहत वो अस्पताल संचालित नहीं हो रहा होगा तो जाहिर तौर पर नियमानुसार जो एक्ट में कार्रवाई का प्रावधान है वो कार्रवाई नोडल ऑफिसर द्वारा की जाएगी। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।